नमस्ते शाक, मेरा नाम बलदेव जुमनानी है, मेरी उम्र 40 साल है। नमस्ते शाक्स, मैं जयश्री जुमनानी और मेरी उम्र 38 है और हम लोग नागपुर से आए हैं। सर, मैं आप सब लोगों से एक सवाल करना चाहूँगा, क्या आप लोग सब मुझे अपनी फैंटेसीज के बारे में बता सकते हैं? सर, मुझे एक्चुअली में अभी तक समझ में नहीं आता कि लोग फैंटेसीज के बारे में बात करने में इतना शर्माते क्यों है। मैंने आज तक अपनी फैंटेसी के बारे में ओपनली सबसे बात की है। मेरी फैंटेसी एक ऐसी चीज है जो गोल और गहरी है और हर मूवी के शॉट में उसको जूम करके जरूर बताया जाता है। मेरी फैंटेसी एक गोल और गहरी सुंदर नाभि। इंडिया में फर्स्ट टाइम, आप बोल सकते हैं वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम, वी जस्ट मैन्युफैक्चर वन प्रोडक्ट नावेल सकरु नावेल फुकाई द बेली बटन शेपर। ये जो प्रोडक्ट है सब बिना कोई सर्जरी के, बिना कोई मेडिसिन से आपकी नाभि को गोल और गहरा बनाता है। जैसे फिंगर टिप्स रहते हैं सबके अलग अलग रहते हैं, वैसे सबकी नाभि भी अलग अलग रहती है। ये प्रोडक्ट के लिए मार्केट इज वेरी ह्यूज, फिल्म इंडस्ट्री में इज अ ह्यूज डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। जो गाइस, जो लड़के हैं जो सिक्स पैक ऐप बनाते हैं, वो किसी शो में उनको टॉपलेस रहना है वो कर नहीं सकते अगर बेली उनकी आउट ही है तो। यही सपने को पूरा करने के लिए, सबकी नाभि गोल और गहरी करने के लिए 20% सर इक्विटी पे 10 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट की सर आपसे सपोर्ट चाहूंगा। वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू बलदेव, जयश्री। आप एक दूसरे को कैसे जानते हैं? हम लोग 20 साल से एक दूसरे को जानते हैं, हमारी 17 साल की एक गुड़िया है। 17 साल जी, आप लोग तो बहुत यंग दिखते हैं 17 साल। थैंक यू वेरी मच। आई वाज स्टार्टेड माय करियर इन अ फार्मास्यूटिकल कंपनी। ओह रियली, क्या करते थे आप? आई वाज दैट टाइम आई वाज एमआर। ओह नाइस। एंड यू नो व्हाट्स माय कंपनी नेम? एमक्योर। आर यू सीरियस? या। ओह माय गॉड। तो ये नाभि के साथ आपका ऑब्सेशन कब से शुरू हुआ और क्यों हुआ? मेरी वाइफ को मूवी, साउथ की मूवी बहुत ज्यादा पसंद आती है और वाइफ है तो उनके साथ देखना पड़ता है और वो सर हर आप देखेंगे कभी उसमें फ्लावर दिखाते हैं, कभी आइस दिखाते हैं, तो धीरे धीरे करके फैंटेसी। और मैं आपको सर एक रियल इंसिडेंट बता पा रहा हूँ। एक बार मैं एक होटल में गया, स्विमिंग पूल के पास बैठा हुआ था। अब मैं एक लड़के को कंटिन्यू देख रहा हूँ, सिक्स पैक ऐप थे, मेरे जैसा हैंडसम लड़का था। लड़के को सर और साथ में वाइफ? नहीं सर, वाइफ मेरी आई, नहीं नहीं उनकी नाभि ऐसे बाहर निकली हुई थी, वाइफ मेरे पास है। बोला जो आप अभी तक जो आपने सोचा इंडिया में वो कॉमन नहीं है। मैंने सोचा मेरे प्रोडक्ट का थॉट्स इनको पता होगा इसलिए वो ऐसा बोलते हैं। बाद में मुझे रियलाइज आया कि इनका कहना था कि लड़का लड़की को देखना इंडिया में उस समय को नहीं था। तो आपके प्रोडक्ट के बारे में बताइए, ये है क्या? मैं आपको बताना चाहूंगा, सिर्फ प्रोडक्ट इज अ कम्प्लीट पैकेज। इसके साथ हम एक पहले देते हैं सैनिटाइजर। इसका यूज है कि बेली, जैसे मैंने बोला नाभि का ध्यान नहीं देते तो बहुत सारे बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाते, इसलिए ये प्रोडक्ट पहले हम प्रोडक्ट के पहले अप्लाई करते हैं, देन वी आर गिविंग दैट कैस्टर ऑयल। इसके बहुत से खुद के गुण हैं। ये हमारा प्रोडक्ट है नावेल फुकाई, जो नाभि को गहरा बनाता है। आपका खुद का गोल अकम्प्लिश हो गया जो आपको चाहिए था अपने नेवल से? आपका गोल अचीव हो गया? मतलब समझ रहे हैं गोल नेवल का? जी 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 जी, वो वाला गोल मैंने अचीव कर लिया। हमारी फैमिली में हमने सबने अचीव कर लिया और आई एम हैप्पी कि आज तक मेरे साथ 600-700 लोगों ने और अचीव कर लिया है। अरे वाह। अगर मैंने आप इसका लाइव डेमो चाहते एक सुंदरी के ऊपर में डेमो करके पहले बता दो अगर आप चाहे तो। जरूर। नेकी और पूछ पूछ। सुंदरी जी प्रकट होइए। सर, इन्होंने हमारा प्रोडक्ट यूज किया, आप इनकी बेली बटन देख के देख सकते हैं। अच्छा जी, अच्छा। आपको जस्ट एक ड्रॉप कैस्टर ऑयल लेना है जो आपको नाभि पे लगा लेना है। उसके बाद ये हमारा प्रोडक्ट है, दिस इज नावेल फुकाई। उसको आपको इस तरीके से लेकर नाभि में इंसर्ट कर देना है। अच्छा। इसके साथ आप अपना कोई भी मूवमेंट कर सकते हैं, जैसे आपको वॉक करना है, आपको रेस्ट करना है, तो उस चीज के लिए ये एक सप्लीमेंट हो जाएगा कि ये एज इट इज रहेगा। आपको एवरीडे 2 घंटे तक उसको लगा कर रखना है, यू फील बेटर। कितने बेचे ये प्रोडक्ट्स आपने? मैंने 650 करीब तक अभी तक बेचे। 650 बेचे हैं? या। टोटल सेल्स कितनी? सर टोटल सेल्स 480,000 समथिंग। 480 या। तो बलदेव ये बताइए कि
इसके लिए तो आपको एक FDA अप्रूवल चाहिए होगा। ये जो कैस्टर ऑयल और जो ये आइसोप्रोपाइल है, मैं एक फार्मा कंपनी से आउटसोर्सेस पे लेके अपने प्रोडक्ट के साथ दे रहा हूँ, और जो ABS प्लास्टिक जो जिससे मैं बना रहा हूँ, उसके पास मेरे पूरे पेपर है कि ABS प्लास्टिक हम बॉडी में यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत टॉल क्लेम है कि आपका बॉडी में कुछ परमानेंट चेंज आ जाएगा। तो जितना मैं एक कॉस्मेटिक्स बिजनेस चलाती हूँ, मेरा जितना मानना है, ऐसा क्लेम पैक पे लिखना विदाउट FDA अप्रूवल लीगल नहीं है। मुझे लगता है हमें अपनी बॉडी को एक्सेप्ट करना चाहिए जैसे है। तो मुझे ऐसे ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जो आपको एक डिफरेंट पर्सन बना दे, में इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं इस बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर सकती। बेस्ट ऑफ लक टू यू। आप एक कैटेगरी क्रिएट करना चाह रहे हैं, बहुत नया है, बहुत अर्ली है, अभी बहुत काम बाकी है इसमें। तो मुझे माफ करना, मैं आज आपके साथ नहीं जुड़ पाऊंगा, बट आई विश यू द बेस्ट। मुझे लगता है जितने भी आपके 650 लोग हैं, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी लिया है, 200,000 हिट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, बट ये प्रोडक्ट चलेगा नहीं। आई विल नॉट बी एबल टू इन्वेस्ट, प्लीज एक्सक्यूज मी। दो दिग्गज शार्क अभी बचे हैं अपना डिसीजन बताने के लिए। बलदेव जी, मेरे को ये प्रोडक्ट के नेम को बताओ कि आपने कैसे रखे। सब जानते हैं जापानीज लोग हेल्थ के बारे में बहुत कॉन्शियस रहते हैं, और ये जो सिनोनिम्स मुझे नहीं मिल रहा था डीप और राउंडेड का, तो फोकाई सिनोनिम आप डीप एंड सकरू इज फॉर राइट। ठीक है, तो मेरा भी इस नाभी प्रोडक्ट के लिए ना है। मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आया प्रोडक्ट, सॉरी। थोड़ा सा हंसी भी आ रही है उस प्रोडक्ट को लेके, बिकॉज दुनिया में इतनी प्रॉब्लम सॉल्व करने को है, आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने को निकले हैं? अपने पे हंसी आ रही है कि मेरा इतना टाइम वेस्ट हो रहा है इस बात को सुन के, राइट? आप मेरे को एक बात बताइए ना, आपके पास पूरी दुनिया में इतनी बीमारियां चल रही हैं, आप फार्मा सेक्टर से हैं, आप किसी को, आप कुछ भी बना सकते हैं। तो इसमें नहीं नहीं, अभी आपका टाइम हो गया, हमारा टाइम भी हो गया इसमें। जी जी, मैं आपको अपने डिसीजन बता रहा हूँ, बिल्कुल ही ना है, और मेरे को ये बिल्कुल ही गिमिकी प्रोडक्ट लग रहा है। जी, किसी का जापानी नाम रखने से उसमें कोई जापानीज टेक्नोलॉजी या जापानीज जो कल्चर की कोई चीज नहीं आ जाती। आप एक चीज बना रहे हैं जिसका कोई डिमांड नहीं है। जी, कोई मेडिकल यूज नहीं है। जी, अंदर कैस्टर ऑयल डाल रहे हैं। कैस्टर ऑयल जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनका पेट खराब होता है, उनके बचपन सालों सदियों से लगता आ रहा है। हाँ, आप उसके अंदर एक वो डाल रहे हैं, क्या कहते हैं इसको, सैनिटाइजर। सैनिटाइजर जी, कर क्या रहे हैं आप? सॉरी, मैं इसमें मेंस नहीं करूंगा अपने वर्ड, बट बिल्कुल ही टाइम बर्बाद किया आपने, अपना भी हमारा भी। आप थोड़ा सीरियस हो जाइए लाइफ में, मत बेचिए आज के बाद। मैं आपको बता रहा हूँ, आपने इस प्रोडक्ट पे आधा टाइम, आधा सेकंड भी और बर्बाद किया ना, आपकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। आपकी जो सैंपल बचे ना, इनको भी मत उठा के लेके जाइए। जो प्रोडक्ट ने सर मेरा घर चलाया पिछले 6 महीने से। आपकी लाइफ है, आपका डिसीजन है। शार्क्स तो अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं। हम आपको बेस्ट विश करते हैं कि आप सक्सेसफुल हो, एंड आई होप आप हम सबको गलत प्रूफ करके दिखाएं। थैंक यू। मैं उनको अपना प्रोडक्ट जब सक्सेस हो जाएगा तब एक बार उनको बताऊंगी, सर आज आप जिसको आपने रिजेक्ट किया था, वो प्रोडक्ट देखिए, वो आइडिया देखिए, कहाँ के कहाँ पहुंच गया है। एक नाम आपने सुना था पैडमैन, आप दूसरा नाम सुनेंगे बेली बटन शिपरमैन। प्रॉमिस सर। यार रश्नीर, थोड़ा सा तो शुगर कोटेड बोला करो। समटाइम्स यू आर नाइसेस्ट टू पीपल बाय नॉट बीइंग नाइस टू देम। ठीक है, मैं आज अगर इसको मैं हड़का दिया है ना उसको, कि तेरे से नहीं हो पाएगा, बेस्ट काम किया इसके लिए। कोई कोई लोग को धक्का लगाना पड़ता है तब वो सीखते हैं। Correct. मैं भी ये बात से सहमत।